हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। माय नेम इज कार्तिक और आज आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सेशन लेके आया हूँ। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं 1500 जीके क्वेश्चन, एक सीरीज जीके क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको रोज 20 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अगले 2 महीने तक ये लगातार तकरीबन 40-50 दिन ये चलेगी पूरी सीरीज। लगातार डेली आपको 20 से 30 क्वेश्चन डेली के मिलेंगे, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा आगे आने वाले सभी DSSSB एग्जाम्स में, चाहे फिर वो आपका जूनियर क्लर्क हो 13/20, फी कलेक्टर का एग्जाम हो 99/20, लाइब्रेरियन का हो, PRT का हो, या फिर कोई भी और DSSSB का एग्जाम हो अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो इस पूरी सीरीज में आपको ये 1500 क्वेश्चन दिखेंगे। इसमें 1500 क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन होंगे, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, वो आप एक बार जान लीजिए। इसमें जो अभी 2021 में जो एग्जाम हुए हैं, DSSSB के एग्जाम हुए हैं, वहाँ से उठाए हुए क्वेश्चंस होंगे, आधे क्वेश्चंस वहाँ से होंगे, हाफ वहाँ से पोर्शन होगा और हाफ उनसे जुड़ता हुआ जैसे वो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस और जीके के क्वेश्चंस बिल्ड करे जाएंगे, ताकि आपकी पूरी तैयारी हो जाए, जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी और उनसे जुड़े हुए, यानी कि जीके में और जो बाकी के टॉपिक्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी आपको इन 1500 क्वेश्चंस की सीरीज में सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके इस पूरी सीरीज में दोनों कवर हो जाएंगे, जीके के क्वेश्चन, अदर क्वेश्चंस और जो अभी इस साल पूछे गए क्वेश्चंस है वो। तो आज शुरू करते हैं अपना पहला सेशन, जिसमें आज मैं आपको लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऐसे 20 या 30 क्वेश्चन डेली के भी होंगे, किसी दिन 50 होंगे, तो ये वेरिएशन रहेगा, बट क्लासेस डेली होंगी। तो इस चैनल पर जुड़ जाए आप लोग, डेली जुड़ जाए, डेली आपको ये क्लासेस मिल जाया करेंगी। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन में चुनाव अधिकरणों के अनुमूलन से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, एक ट्रिब्यूनल एक तरीके का कोर्ट ही होता है, एक कोर्ट, एक ऐसा न्यायालय, एक ऐसा कोर्ट जो कि किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड होता है। तो वो यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड कोर्ट थे, तो उसको खत्म कर दिया गया था कि इलेक्शन से रिलेटेड अलग से कोई कोर्ट नहीं होगा। तो ये कौन से अमेंडमेंट में करा गया था, ये फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए 19वें अमेंडमेंट में करा गया था, 1966 में करा गया था। तो इसका ऑप्शन पहला करेक्ट होगा यहाँ पे। 25वां अमेंडमेंट था, ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और ये 1971 का है, 1971 का है, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इस अमेंडमेंट के तहत अब सरकार के पास ये पावर थी, सरकार को अनुमति थी कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका एक्विजिशन सरकार, केंद्र सरकार कर सकती है। तो राइट टू प्रॉपर्टी में से एसोसिएटेड ये 25वां अमेंडमेंट है 1971 का। 11वां जो अमेंडमेंट था ये 1961 का अमेंडमेंट था, 1961 का अमेंडमेंट था, और इसके तहत ये डिसाइड करा गया था, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है हमारे हमारे देश के उप राष्ट्रपति जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनका इलेक्शन का जो इलेक्शन होगा वो किससे होगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया, इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि ग्रुप बनाया गया। उस ग्रुप में कौन इंक्लूड होंगे, बोथ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो इंक्लूड होंगे फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट से इलेक्शन के एसोसिएटेड कौन सा है, 11वां संशोधन है, 11वां अमेंडमेंट है 1961 का, और जो 16वां अमेंडमेंट है 1963 का, ये हमारा जुड़ा हुआ है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से। सॉवरेनिटी यानी कि सुप्रीम पावर, यानी कि इंडिया एक अपने आप में सॉवरेन नेशन है, इससे ऊपर कोई और पावर नहीं है, पहले अंग्रेजों का गुलाम था इंडिया, तो अब इंडिया अपने आप खुद से स्वरण है और उससे ऊपर और कोई पावर नहीं है। इंटीग्रिटी यानी कि एक यूनिट है पूरा भारत, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं, ठीक है। तो 16वां संशोधन जो था वो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को इंक्लूड जो करा गया था वो था हमारा 16th अमेंडमेंट। अब ये सारे ईएस आपको पता चल गए, सारे अमेंडमेंट पता चल गए इन चारों ही ऑप्शन के, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये 19वां अमेंडमेंट तो याद रखोगे ही, अब क्वेश्चन में कभी अगर 25वां, 11वां, 16वां या फिर इससे जुड़ी कुछ बातें आएंगी तो आपको पता होगा। अगले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पोर्ट्स इज करेक्ट। दो पेयर दे रखे हैं, एक में हमें प्लेयर के दो पेयर दे रखे हैं, जिसमें एक में प्लेयर और साथ साथ उसके स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ एक पेयर बनाया हुआ है, शब्बीर अली फुटबॉल, मोहम्मद अब्बास बॉक्सिंग। तो शब्बीर अली
जो है शब्बीर अली जो है फुटबॉल बहुत इंडिया के पुराने प्लेयर रह चुके हैं और मैनेजर रह चुके हैं, इंडियन फुटबॉल में मैनेजर रह चुके हैं, अलग अलग इनके क्लब्स में मैनेजर रह चुके हैं। तो शब्बीर अली फुटबॉल से एसोसिएटेड है बट मोहम्मद अब्बास बॉक्सिंग से एसोसिएटेड नहीं है। तो मोहम्मद अब्बास एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मेजर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जो बन के आता है वो मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान के क्रिकेटर बन के आते हैं। अगर इंडिया से देखा जाए तो बॉक्सिंग से मोहम्मद अब्बास जुड़े हुए नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे करेक्ट होगा, ओनली वन। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, ब्रेड मोल्ड, फंगस। तो ये हमारा एक क्वेश्चन आया जाता है, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, अमीबा, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ जो होता है ना वो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर, सिंगल सेल और यूनिसेलुलर। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोटोजोआ कहा जाता है। अब अमीबा क्या होता है? एक अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही होता है जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है, वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो अमीबा प्रोटोजोआ है, यानी कि प्रोटोजोआ तो वही लोग वही होते हैं जिनका सिर्फ सिंगल सेल होता है। तो अमीबा क्या है? सिंगल सेलुलर है, तो अमीबा प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये पेयर करेक्ट है। ब्रेड मोल्ड, फंगस। फंगस आपको पता है क्या होता है? अब ब्रेड मोल्ड क्या होती है? जो आपने देखा होगा कि भाई ब्रेड बहुत पुरानी ब्रेड हो जाती है, उसके किनारों में काई सी लग जाती है, हरा हरा काला काला सा हो जाता है, वो ब्रेड मोल्ड होता है। वो भी एक किस्म की फंगस ही होती है, वो भी एक किस्म की फंगस होती है। जैसे कि मशरूम एक किस्म की फंगस होती है, वैसे ही ब्रेड मोल्ड भी एक किस्म की फंगस है। तो दोनों ही पेयर करेक्ट हो गए हमारे, अमीबा प्रोटोजोआ है, ब्रेड मोल्ड फंगस है, तो दोनों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बोथ वन एंड टू आर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस जो लिए गए हैं आज के इस सेशन में, ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं सीधा जो हमारे अभी क्वेश्चंस पूछे गए थे DSSSB द्वारा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है, दो स्टेटमेंट दे दीजिए या उसमें पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसकी भी तैयारी इस पूरी सीरीज में आप लोगों के साथ करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ हीट बाय डैश। अब यहाँ पे तीन तरीके की ट्रांसफर ऑफ हीट होती है हमारी, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब आप लोगों ने स्कूल में भी सुना होगा, एक एग्जांपल दे दिया जाता है कि भाई एक टीचर बैठा हुआ है, उस वो कॉपी साइन कर रहा है, तो एक कॉपी साइन करी किसी गलती निकली तो उसने फेंक के मारी पीछे सीधा, तो वो क्या है, वो सीधा रेडिएशन होके गई है, उसको बीच में ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं पड़ी है उसको। ठीक है, कोई मीडियम ऑफ ट्रांसफर नहीं है, तो इसी को हीट में देखा जाता है। तो रेडिएशन क्या है? अब रेडिएशन एक तरीका होता है हीट एनर्जी, जो हमारी एनर्जी ट्रांसफर होता है, हीट एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू द फोटॉन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, फोटॉन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तहत, फोटॉन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो फोटोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तहत ये एनर्जी ट्रांसफर होती है, और यहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट कोई नहीं होता है बीच में। अब जैसे एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होता है, एक टीचर, वही एग्जांपल फिर से लेते हैं, टीचर ने कॉपी साइन करी, चेक करी, अब उसने सबसे आगे वाले बैठे बच्चे को वो कॉपी दे दी, उसने पीछे वाले को दे दी, उसने पीछे वाले को दी, ऐसे कर करके वो पहुंच गई हमारी सबसे पीछे वाले के पास। तो ये कौन सा एग्जांपल हो जाता है? ये हो जाता है हमारा कंडक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। इसमें हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें कोलिजन्स होती है, मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो क्या होता है, एक जो पार्टिकल है हमारा, जो एक हमारा मेटल है या फिर हमारा कोई कंडक्टर है, हीट कंडक्टर है, उसमें जैसे मान लीजिए एक ही मेटल का बना होता तो हीट कंडक्टर है, यहाँ पे हम इसको हीट देंगे तो यहाँ तक वो गर्म हो जाएगा, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इंटरनल पार्टिकल्स हैं, वो आपस में कोलाइड करेंगे तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो ये प्रोसेस होता है कंडक्शन का। एग्जाम्पल आपको याद हो गया, बच्चे ने नोटबुक पीछे वाले को दी, उससे पीछे वाले को, तो मीडियम रिक्वायर्ड था, मीडियम क्या था उस केस में? बच्चा था। तो यहाँ पे क्या होता है, कोलिजन बिटवीन नेबरिंग पार्टिकल्स होता है। ठीक है, इसमें हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करेंगे कन्वेक्शन की। अब कन्वेक्शन में क्या करा, अब वो बच्चा आगे आएगा, उठ के सबसे पीछे बैठा था उसको बुलाया गया, उसको दी गई, भाई देख तेरी ये गलतियाँ थी, उसको बताया गया और वो कॉपी लेके गया। अब यहाँ पे कन्वेक्शन क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये कन्वेक्शन होता है इन लिक्विड्स, लिक्विड्स
हीट ट्रांसफर इन लिक्विड। तो कभी आपने अगर चाय उबाली हो तो देखा होगा कि जो अगर कांच के किसी बर्तन में कुछ पानी उबाला हो या चाय उबाली हो तो आपने देखा होगा वो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, वो ट्रांसफर करते रहते हैं, नीचे से अपनी एनर्जी हीट एनर्जी लेके ऊपर पहुंच जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं, तो ये ट्रांसफर होता रहता है, ये कहलाता है हमारा कन्वेक्शन। उम्मीद है कि तीनों ही आप चीज़ों को समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल से भी समझाया, थ्योरेटिकल बेस पे भी आपको समझा दिया कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था थर्ड ऑप्शन हो जाता है कि भाई मीडियम यानी कि डैश द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, तो वो क्या होता है, रेडिएशन। रेडिएशन को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। टीचर ने सीधा नोटबुक फेंक के मारी, हवा में उड़ती हुई गई, सीधा पहुंच गई, तो किसी माध्यम की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इन ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड नोन एज। अब देखिए ये क्वेश्चन समझिए, थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे हम स्कूल वाला स्कूल डायग्राम, ऐसे डायग्राम तो आपने बनाए होंगे पहाड़ों के। तो यहाँ से वो नदी निकल रही है पहाड़ों से होती हुई और ये समतल एरिया में पहुँच गई और यहाँ से ऐसे घूमती घूमती ये नदी पहुँच रही है। ठीक है, ये घूमती घूमती नदी पहुँच रही है, आगे पहुँच रही है, समुंदर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे आपने देखा कि भाई जैसे ही वो प्लेन की तरफ आती है तो नदी में ये बैंड बनने पड़ते, बैंड बनने शुरू हो जाती हैं, ये घुमावदार होने शुरू हो जाती है। अब इस घुमावदार को क्या कहा जाता है, वही आपसे पूछा गया है। तो इसे क्या कहा जाता है, मेंडियर। इसे क्या कहा जाता है, मेंडियर कहा जाता है। जो ये घुमावदार आते हैं, घुमावदार इसकी जो अपना जो रास्ता बनाती है नदी, तो वो बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ बनाई है, आपने ध्यान दिया होगा, आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने ये डायग्राम बनाया तो मैंने ये बैंड बना दिया एक, पर ये कनेक्ट नहीं था बैंड। ठीक है, ये बैंड तो बना दिया बट कनेक्ट नहीं था। अब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हर बार नदी अपना रास्ता बदल लेती है जब ज़्यादा भाव होता है या फिर कुछ होता है, नेचुरल तरीके से सिर्फ एक ही रास्ते में थोड़ा बहुत बदल लेती है। तो किसी टाइम पे किसी साल में उसने कभी ये वाला रास्ता अपनाया होगा और ये रास्ता अपना अगली बार वो रास्ता हटके यहाँ से वो दूसरे रास्ते पे आ गई, तो ये क्या बन जाती है, नदियाँ क्या बन जाती है, ये लेक बन जाती हैं, ये क्या बन जाती हैं, लेक बन जाते हैं। और ऐसे ही ये यू शेप के लेक बन जाते हैं। और आपने देखा होगा कि ऑक्स बो भी ऐसा ही शेप होता है। तो इस तरीके की लेक को क्या कहते हैं, ऑक्स बो लेक कहते हैं। इस तरीके की लेक को क्या कहते हैं, ऑक्स बो लेक कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्स बो लेक क्या हो गई हमारी, ये करेक्ट हो गया हमारा। ऑलराइट, और हमारा ये लेविस क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, कभी आपने देखा होगा कि भाई जो हमारे तट होते हैं, जो तट होते हैं, जो नेचुरल हो या फिर हम मैनमेड तट हो, आदमी के द्वारा बनाए गए तट हो, किनारे हो, तो वो क्या रोकते हैं, जैसे यहाँ पे नगर बन गया, यहाँ पे ये नगर है, ये सिटी है, तो यहाँ पे वो तट बना देते हैं, जा पक्का बना देते हैं वो एरिया, ताकि यहाँ से नदी, नदी का जो तट बना दिया, नदी का पानी और इधर उधर ना जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, लेविस कहते हैं। तो ये हमारी तीनों चीज़ करेक्ट हो गई। ये यू शेप की हमारी क्या बनती है, ये नदी बनती है। कई बार पूछ लिया जाता है, यू शेप लेक इज ऑल्सो नोन एज ऑक्स बो लेक। तो ऑक्सबो समझ में आ गया, लेविस समझ में आ गया आपको, मेंडर समझ में आ गया कि ये जो घुमावदार रास्ता होता है, ये जो बोला गया है ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड, ये क्या होता है, हमारे मेंडर होता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स तो बच्चे बच्चे को पता है कि भाई जो टैक्स हमारी संपत्ति से, हमारी इनकम से लिया जाता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो हम पे सीधा प्रभाव डालता है, चाहे फिर वो हमारा वेल्थ का हो, हमारी कितनी आमदनी है उसका टैक्स हो, किसी ने हमें गिफ्ट दिया उसका भी असर हम पे पड़ता है। तो गिफ्ट का टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, इसके साथ साथ क्या होता है, इनकम टैक्स होता है, और साथ में क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो ऐसे जो टैक्स होते हैं ये होते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स। ये कौन से टैक्स होते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। और अब एक ही तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स बच जाता है यहाँ पे, और वो टैक्स होता है हमारा जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये हमारी डायरेक्ट उस पे नहीं पड़ता, तो जीएसटी हमारा किसी और के थ्रू जाता है, कई बार हम ही उसके भुगतान करते हैं, कई बार जो हम प्रोवाइड करवाता है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है, सर्विस प्रोवाइडर हमसे जो सर्विस के पैसे लिए उसको जीएसटी देना पड़ता है। तो ये हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ओनली वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज नॉट डायरेक्ट टैक्स। तो हमारा ओनली वन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी के हमारे डायरेक्ट
टैक्स हैं। आगे चलते हैं, What type of missile is Python 5? Python 5 एक मिसाइल है, वैसे तो ये DRDO ने तेजस, जो हमारा फ्लाइंग जेट है, लाइट एयरक्राफ्ट जेट है, तेजस में इंक्लूड करा गया है। तो तेजस में ये एक मिसाइल, एक हथियार दे दिया गया है Python 5 का, जो एयर टू एयर मिसाइल है। क्या है? एयर टू एयर। अब तेजस हवा में उड़ेगा और हवा से हवा में ही दूसरी जो उसका टारगेट होगा उसे मार गिराएगा। तो उसमें यूज होने वाली मिसाइल कौन सी है? पाइथन 5। और ये अप्रैल 2021 में इसका सफल टेस्ट कर लिया गया था डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पाइथन 5 क्या है? ऑप्शन नंबर 4, एयर टू एयर मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक्सोस्फेयर इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। आपको फटाफट एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ हमारी ये जो लेयर्स होती हैं, वैसे तो आपको पता होनी चाहिए। ये मान लीजिए अर्थ है और उसके बाद ये अर्थ का सरफेस है, उसके बाद ये जो शुरुआत होती है लेयर्स की। अब बताते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहले क्या आता है? ट्रोपोस्फेयर। और उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद हमारा आता है मीसोस्फेयर, और फिर हमारा थर्मोस्फेयर, और लास्ट में आ जाता है हमारा एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो लास्ट में एक्सो, तो ट्रोपो, स्टेटो, मीसो, थर्मो और एक्सो, ये 5 मेजर लेयर होती हैं। अब ये शुरुआत हो जाती है इनकी अर्थ के ऊपर से 0 to 15 to 20 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर रहता है, उसके बाद 30 से 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर स्ट्रेटोस्फेयर रहता है, 70 से 85 की रेंज के अंदर अंदर मेसोस्फेयर रहता है, और उसके बाद, मतलब ये हाइट मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 70 तक या फिर 85 तक मेसोस्फेयर रहेगा 50 से, और उसके बाद फिर जो ऊपर 80-85 से ऊपर लेके 400 किलोमीटर तक, ये 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक ये क्या रह जाता है? हमारा थर्मोस्फेयर, और 400 से ज़्यादा हमारा एक्सोस्फेयर। तो पहला क्या था? एक्सोस्फेयर इज अपर मोस्ट लेयर, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या है? थर्मोस्फेयर एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, ये बिल्कुल करेक्ट है, 80 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में थर्मोस्फेयर जो लेयर है एटमोस्फेयर की वो है। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 करेक्ट हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चंस में से 4 लगभग क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ चुके हैं, अभी तक 20 क्वेश्चन पूरे भी नहीं हुए, 4 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जिसमें हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला है, और आगे चलेंगे और हमें 2 ऑप्शन उसमें बताना है। 4 to 5 क्वेश्चन हमारे पास 8 में से ऐसे आ गए हैं। आगे चलते हैं, अगेन वैसा ही एक और क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? चंबल, बेतवा, गंडक। अब इसमें से बताना है ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की, सहायक नदियां कौन सी हैं। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जिनके ओरिजिन कहीं और होता है, मिलता उस मेन रिवर में है। डिस्ट्रीब्यूटरी होता है कि भाई उस मेन नदी से निकल के छोटी नदी जो बनती है वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है। तो चंबल, बेतवा, ये एक्चुअली में क्या होती है? ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो चंबल जो मिलती है इटावा में मिलती है, और बेतवा जो मिलती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, जो हमीरपुर टाउन है वहां पे मिलती है। किससे? यमुना से मिलती है। चंबल इटावा में, बेतवा मिलती है हमीरपुर टाउन में, यमुना में, और यमुना फिर जाके किससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती है, और ये हमारा मिलता है त्रिवेणी संगम में। ठीक है, त्रिवेणी संगम। तो बेसिकली चंबल, बेतवा ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना होने के साथ साथ गंगा की भी ट्रिब्यूटरी हो गई, क्योंकि ये सहायक नदियां हैं। ट्रिब्यूटरी का काम यही होता है कि अपना जो पानी है वो बड़ी नदी में जाके मिल जाना। ठीक है, और गंडक, तो गंडक तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दो तरीके की ट्रिब्यूटरीज होती है, एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये वाला ऊपर वाला साइड हो जाता है हमारा लेफ्ट की तरफ, ये वाला हो जाता है हमारा राइट की तरफ। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा की है, गंडक नदी। तो ये तीनों ही ट्रिब्यूटरीज में काउंट होंगे, तो 1, 2 and 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। ये हमारा एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इससे जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ में आएंगी आपको। पहला क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट दे दी गई है MSF के बारे में, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में बता दिया गया है कि MSF रेट प्लेस नो रोल इन डिटरमाइनिंग कॉरिडोर
फॉर डेली मूवमेंट इन वेटेड एवरेज कॉल मनी. MSF रेट हैज नो इफेक्ट ऑन पॉलिसी रेपो रेट. अब यहाँ पे सबसे पहले रेपो रेट और MSF रेट समझना होगा, उसके बाद ये दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी. तो सबसे पहले क्या होता है रेपो रेट भी क्या होता है, ये रेपो रेट RBI जो छोटे बैंक होते हैं, कोई भी बैंक हो, मान लीजिए कोई कमर्शियल बैंक हो, उस बैंक को जो पैसे उधार देता है, लेंड करता है, तो उसका रेट क्या होता है, कितने रुपए, मतलब कितना क्या, किस रेट पर RBI बैंक को उधार देगा. ये कमर्शियल बैंक है तो किस रेट पर पैसे उधार देगा, शॉर्ट टर्म नीड होती है, ये शॉर्ट टर्म नीड, बैंक को शॉर्ट टर्म नीड हुई, उसने RBI से पैसे लिए, तो वो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है. ठीक है, अब यहां पे MSF रेट क्या होता है, यहां पे MSF रेट क्या होता है, RBI बैंक को पैसे देता है, उधार देता है. अब आप बोलोगे दोनों ही सेम है, बट जो यहां पे मनी लैंड करा है ना, ये ओवरनाइट के लिए करा गया है, ओवरनाइट के लिए, यानी कि कल वापस करने होंगे, आज दिए हैं कल वापस करने होंगे. एमरजेंसी यूज में MSF की जो फंडिंग होती है, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होती है, ये MSF RBI एमरजेंसी केस में बैंक को देता है. ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करिए. अब ये जो जहां पे दो स्टेटमेंट दे दी गई है, MSF रेट प्लेज नो रोल, ये गलत है. ये रोल डिटरमाइन करता है डेली मूवमेंट का, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ओवरनाइट ये पैसे एक दिन के लिए दिए जाते हैं, तो ये डेली मूवमेंट का असर पड़ता है इस पे, एवरेज कॉल ऑफ मनी रेट पे. ठीक है, दूसरा, अब MSF रेट नो इफेक्ट ऑन पॉलिसी रेपो रेट, ये भी गलत है, इसका भी असर पड़ता है पॉलिसी रेपो रेट पे. ठीक है, तो यहां पे पूछा कि नॉट ट्रू, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोथ 1 और 2 आर नॉट ट्रू. ठीक है, दोनों ही यहां पे गलत है. नो रोल का बोला गया, नो इफेक्ट है, तो इनका इफेक्ट भी है, इसका रोल भी है, तो ये दोनों ही यहां पे गलत हो जाती है. आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन गुजरात. धोरारजी फोर्ट, ये हमारा राजकोट के पास है, गुजरात में है, ये राजकोट के पास है, नियर राजकोट. और जिंजुवाड़ा फोर्ट है, ये जिंजुवाड़ा एक जगह का नाम है, वहां पे ये किला है. और ये कहां पे है, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में है, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट. और ये दोनों ही, राजकोट और सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, कहां पड़ती हैं, गुजरात में पड़ती हैं. तो लगभग सारे ही क्वेश्चन आपके ऐसे ही आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो इसको संभल के रहिए, ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा हैं. क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं. हु हैज़ रिटन द बुक व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई. एक किताब है व्हाट वेंट रॉन्ग, जिसमें किस्से हैं लोगों के, जिसमें बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए मेरा किस्सा है, मैं अपनी किस्से बताया कि मेरा जीवन ऐसे चल रहा था, उसमें ये कठिनाई आई और ये मैंने गलत कदम उठाया और उसकी वजह से ये भुगतान हुआ. ठीक है, तो क्या मेरे जीवन में गलत हुआ, तो ऐसे बहुत सारे उस किताब में किस्से हैं. और ये बुक लिखी है किरण बेदी जी ने. ठीक है, किरण बेदी जी ने ये बुक लिखी है. इसके ऑथर कौन है, इसके राइटर कौन है, किरण बेदी. व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, इसमें अलग अलग लोगों के किस्से हैं. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. हु रूल्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग 1206-1210. 1206 से 1210, ये एक बहुत ही मेजर टाइम था दिल्ली सल्तनत का. तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, पहले सुल्तान कहा जाता है जिन्हें, कुतुबुद्दीन ऐबक को. ठीक है, तो वो आए थे फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली. ठीक है, दिल्ली सल्तनत जब तैयार हुई थी, तो बेसिकली इल्तुतमिश को कहा जाता है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की पूरी संरचना करी, बट फर्स्ट सुल्तान जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे, जो 1206 से 1210 जिन्होंने कुतुब मीनार की शुरुआत कर दी थी, कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत कर दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210. और फिर 1211 से लेकर 1236 तक शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने दिल्ली पे राज करा था. 1211 से लेकर 1236 तक दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े रचयिता इल्तुतमिश ही कहा जाएगा, मुस्लिम लीडर थे ये. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो कुतुब मीनार की शुरुआत इनके आका, एक तरीके से आका थे, और उसके बाद इनकी बेटी से, ऐबक की बेटी से इन्होंने शादी करी थी. तो उसके बाद जो अपने गुरु, अपने आका के सम्मान में जो कुतुब मीनार जो शुरुआत हुई थी वो पूरी करी थी इल्तुतमिश ने. रजिया सुल्ताना, जो रजिया सुल्तान थी, इन्होंने 1236, उसके बाद 1211
1206 से 1210, 1211 से 1236, 1236 से लेकर 1240 तक बहुत छोटा सा इनका काल था, ये 4 साल का काल था, रिवॉल्ट से भरा हुआ था, आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे, जैसे आजकल हमारे मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है जो उससे आंदोलन से भरा हुआ है, सीए आंदोलन हो चाहे फिर फार्मर्स आंदोलन हो, तो वैसे ही रजिया का जो रिवोल्ट थे, रजिया सुल्तान का जो पीरियड था उसमें बहुत सारे रिवोल्ट थे, क्योंकि उस टाइम के लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा था कि भाई एक मुस्लिम लीडर, एक मुस्लिम लीडर होने के साथ साथ महिला, ठीक है तो मुस्लिम्स तो और भी थे वहाँ पे, बट मुस्लिम्स में भी एक महिला का नेता होना, उनको राजा होना समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके खिलाफ बहुत सारी बगावत थी। तो ये बहुत छोटा सा काल था, बट इसके साथ साथ रजिया जो सुल्तान थी, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, तो मेजर है ये, इसलिए याद कर लेना, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आनंगापाल तोमर, ठीक है ये कौन थे, आनंगापाल तोमर, और इन्होंने तोमर वंश की स्थापना की थी, तोमर डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो ये दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए नहीं है, ये तीन लोग थे, इनका कार्यकाल समझाया मैंने आपको, आनंगापाल तोमर, तोमर डायनेस्टी के थे ये, ठीक है। अब डायनेस्टीज के थे, तोमर डायनेस्टी के थे, रजिया फीमेल फर्स्ट रूलर, कुतुबुद्दीन ऐमक पहले शासक थे दिल्ली के, और ये था इन्होंने स्थापना की थी, पहले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। आगे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वी इक्वल्स टू यू प्लस में ए टी, फिजिक्स में 11वीं 12वीं में अगर फिजिक्स पढ़ी थी तो पहला लॉ ऑफ मोशन जो होता है उसी में हमने ये याद करा था, वी इक्वल्स टू यू प्लस में ए टी, वी क्या होता है, फाइनल एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो ये होता है, फाइनल वेलोसिटी जिसको कई बार हम वी एफ से भी रिप्रेजेंट करते थे, यू क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन, टी क्या है टाइम। तो वी इक्वल्स टू यू प्लस में ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस में ए टी हमारी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन हमारा ना बढ़े, डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चलता रहे समान रहे, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास आर्टिकल के बारे में पूछा गया, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू बार टू इंटरफ्रेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर। स्टार्टिंग में भी याद होगा आपको, इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल्स पे पूछा एक क्वेश्चन था, यहाँ पे भी एक बात आ गई है कि जो न्यायाधीश होते हैं, न्याय जो जज हो गए न्यायाधीश, तो न्यायालय यानी कि कोर्ट का इलेक्शन से रिलेटेड संबंधों में हस्तक्षेप वर्जन कर दिया गया था, रोक दिया गया था, तो ये कौन सा हम आर्टिकल था, 329 आर्टिकल था, जिसके तहत ये रोक दिया गया था कि भाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अंडर आते हैं इलेक्टोरल मैटर, तो वही इसकी देखरेख करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यहाँ पे नॉट नहीं है, करेक्ट है, लगभग सारे ही क्वेश्चन हमारे आपको देख रहे होंगे स्टेटमेंट वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न की आपकी प्रैक्टिस जो कि इस सीरीज में आपकी बहुत होने वाली है। तो नवाब ऑफ अवध है फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ टेरिटरी टू द कंपनी इन 1807, ये साल गलत है, 1801 में हुआ था, ये कब हुआ था, 1801 में हुआ था, सब्सिडरी अलायंस क्या था, सब्सिडरी अलायंस के तहत जो देश में, भारत पूरे हिंदुस्तान में जो सब्सिडरी अलायंस एक ऐसा अलायंस था अंग्रेजों का और यहाँ के राजाओं का, अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों के जो राजा थे उनके बीच में एक ऐसा पैक्ट हुआ था, एक ऐसा अलायंस हुआ था कि राजा को पैसे देने होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो लगभग हार जाते थे या फिर कोई बेकार राजा होते थे, नवाब होते थे, ठीक है, तो उसमें अपने पैसे देने होते थे, जमीन देनी होती थी, और राजा की हिफाजत कौन करता था, ब्रिटिश हुकूमत करती थी, राजा को अपनी फौज रखने की मंजूरी नहीं होती थी सब्सिडरी अलायंस के तहत, ठीक है। तो 1801 था तो इसका मतलब 1807 में नहीं था, तो पहली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, अब मराठा और ब्रिटिश के बीच में तीन वॉर हुए थे, एंग्लो मराठा वॉर जिसे कहा जाता है, ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में, तो पहला, दूसरा और तीसरा,
पहला जो हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था, दूसरा जो हुआ था 1803 से लेकर 1805 तक, 2 साल का चला था ये, और जो तीसरा हुआ था वो हुआ था 1817 से लेकर 1819 तक। तो ये तीन एंग्लो मराठा वॉर थे, ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, और तीसरा था 1817 से 1819। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ओनली सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मोहिनी अट्टम बिलोंग टू विच स्टेट? मोहिनी अट्टम एक ऐसी नृत्य कला है, मोहिनी अट्टम क्या है? डांस फॉर्म है, नृत्य कला है ऐसी जो कि महिलाएं करती है, विमेन करती है, फॉर भगवान विष्णु के लिए, गॉड विष्णु, इन ऑनर विमेन परफॉर्म दिस डांस फॉर्म इन ऑनर, भगवान के सम्मान में, भगवान विष्णु के सम्मान में महिलाएं मोहिनी अट्टम करती हैं, और ये बिलोंग करता है केरला से। ये कहां से बिलोंग करता है? केरला से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। वेयर डिड द इंस्क्रिप्शंस वर रिटन? इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? जो खुदाई करके किसी हार्ड सरफेस पे, ठोस सतह पे लिखी गई चीजों को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। इंस्क्रिप्शन उरेखना, ठीक है, इंस्क्रिप्शन करना, ये कहां गए थे भाई? ठोस सतह। अब क्लोथ कोई ठोस है नहीं, स्टोन यस, पेपर नहीं, पाम लीफ नहीं, तो स्टोन पे ये उरेखे गई थी इंस्क्रिप्शन। अब मैन्यूस्क्रिप्ट थी, मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी ये हैंड रिटन थी। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई मैन्यूस्क्रिप्ट कहां लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी पाम लीव्स पर, ठीक है, ये लिखी गई थी पाम लीव्स पर। तो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई थी पाम लीव्स पर, और इंस्क्रिप्शंस जो लिखे गए थे, उरेखे गए थे, ये गए थे स्टैंड स्टोन्स पर, पत्थरों पर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हु हैज नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2021 में भुवनेश्वर कुमार को इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो सीरीज भारत में खेली गई थी उसमें परफॉर्मेंस को देखते हुए मार्च 2021 में प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था। अब फटाफट मार्च के बाद की देख लेते हैं। मार्च के बाद आ जाता है हमारा अप्रैल, फिर आ जाता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अभी तक सितंबर महीने का नहीं आया, अक्टूबर एक दो दिन में आ जाएगा, तो सितंबर महीने का आएगा जब बताएंगे। तो अप्रैल में किसको मिला था? ये मिला था बाबर आजम। मई में किसको मिला था? मुशफिकुर रहीम को। जून में किसको मिला था? डेवन कॉनवे। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ये बांग्लादेश के हैं, ये पाकिस्तान का है बाबर आजम। जुलाई में किसको मिला? शकीब अल हसन, ये भी बांग्लादेश का है। अगस्त में किसको मिला था? ये मिला जो रूट को, ये कौन है? इंग्लैंड का प्लेयर है, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे ही आपको पता चल गए। मार्च का आपको पता चल गया कौन था? भुवनेश्वर कुमार। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है जनवरी महीने से, क्योंकि इसी साल से शुरू हुए थे, जैन से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च का तो हो गया, जैन एंड फेब, दो महीने, इन दो महीने में किसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था? हिंट दे देता हूं, इंडियन प्लेयर से एक का नाम यहां पे कमेंट में, ऑप्शंस में आपको दिख भी रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन भी क्रिकेट से रिलेटेड है। हु वॉन द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, थोड़ी मेहनत आप भी करेंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोगों को पता, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आता है, तो इसलिए आपको आंसर आना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली वीडियो कल शाम को आप लोग के लिए मिल जाएगी। तो 1500 क्वेश्चन की सीरीज में आप लोगों को क्या सही लगा, क्या गलत लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि भाई मैं और कैसे आप लोगों की मदद कर सकूं, इंप्रूवमेंट ला सकूं अपनी क्लासेस में, रिकॉर्डिंग में। और आप लोग जरूर बताना कि ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँ और थोड़ी एक्सप्लेनेशन करूँ, या फिर एक्सप्लेनेशन कम करूँ, थोड़ा फास्ट करके चलूँ, तो जो भी आपके सुझाव हो, सजेशंस हो, प्लीज़ अपने कमेंट में करके चलना, क्योंकि आज पहली क्लास थी, आपका रिस्पांस मिलना बहुत ज़रूरी है। आगे तक
आपके 2 महीने लगातार ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर ऐसे ही बढ़िया सा चलते रहना चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।